जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः ब्रह्मो अरहंताणं ब्रह्मो सिद्धाणं ब्रह्मो आयरियाणं ब्रह्मो वज्रायाणं ब्रह्मलोये सर्वसाधूनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं श्रीमान्निभस्वत्रयतुङ्गशालम् जगद्गृहं बोधमाया प्रदीप समन्तितो द्योतयते यदियो भवन्तु ते तीर्थंकराश्रयेण अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ जिसका 18वां परिच्छेद अपना यहाँ पर चल रहा है और पेज नंबर है 166। यहाँ पर काल की चर्चा प्रारंभ हुई है और कहा गया कि जैसे रात और दिन होते हैं और षट ऋतुओं का प्रवर्तन होता है, उसी प्रकार से इस पूरे विश्व में, विश्व की मुख्यता से हम बात करें तो अभी वर्तमान में इस क्षेत्र में षट कालों का प्रवर्तन होता है, जिन षट कालों का नाम हमने यहाँ पर देख लिया, सुषमा 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 दुष्मा दुष्मा सुषमा दुष्मा और दुष्मा दुष्मा, ये छह काल हैं। इन छह कालों का प्रवर्तन क्रमशः होता है, उत्सर्पणी का एक और अवसर्पणी का एक और प्रत्येक 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। प्रत्येक का हमने समय देख लिया, काल देख लिया और यहाँ पर फिर बताया गया कि जो प्रथम तीन काल हैं जिन्हें भोग भूमि के काल कहे जाते हैं, पहला काल, दूसरा काल और तीसरा काल, इसमें लोगों की आयु और शरीर की रचना, उनकी हाइट और उनका भोजन आदि सब अलग अलग प्रकार का रहता है। फिर यहाँ पर कहा गया कि इन काल में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। जैसे आज हमारे को कोई भी चीज चाहिए होती है तो पैसे की वैल्यू है। पैसे की क्यों वैल्यू है? क्योंकि आपको कुछ भी चाहिए हो तो उसी से ही आता है, ठीक है। हालांकि है तो वो पेपर, ठीक है, कागज है जो गवर्नमेंट छापती है, लेकिन वो कागज से ही सारी चीजें आती हैं। खाने की चीज चाहिए हो तो, बच्चों की फीस भरनी हो तो, कुछ बाहर से खरीदना हो तो, इन सारी चीजें किससे प्राप्त होती हैं? सुख सुविधाएं, भोग सामग्री, सारी चीजें जो कि उस पन्ने से, उस पेज से प्राप्त होती हैं और जिसमें ज्यादा अधिक डिजिट्स लिखे होते हैं उसकी अधिक वैल्यू हो जाती है, तो इसीलिए पैसे की वैल्यू है। लेकिन भोग भूमि में ऐसा नहीं होता। भोग भूमि में ना कमाने की चिंता है, ना अन्य किसी बात की चिंता है। वहां पर सहज में ही 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। लोगों की कषायें बहुत मंद रहती हैं, परिणाम बहुत शांत रहते हैं और वहां पर संयम भी अंगीकार नहीं होता है। जीव संयम की भी प्राप्ति उस भोग भूमि के समय नहीं कर पाते। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों की बात हुई, देखिए फिर इस प्रकार से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब तृतीय काल का अंतिम समय होता है और यहाँ स्पेसिफिक समय भी बताया कि पल्ले का 8वां भाग शेष रहता है। माने आप ऐसा समझ लीजिए, जब तीसरा काल समाप्त होने के लिए आता है और चौथे काल का प्रारंभ होता है तो उसमें कुलकर होते हैं,
देखो क्यों कुलकर होते हैं, आप एक बात समझो, एक तरीके से माहौल बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं। कैसे बदल रही हैं? जीव भोग भूमि से अब कर्म भूमि की तरफ आ रहा है। पहले तीन काल में क्या है? भोग भूमि है, और चौथे काल से क्या शुरू होती है? कर्म भूमि शुरू होती है। तो बहुत सारे चेंजेस शुरू हो जाते हैं, कल्प वृक्ष धीरे धीरे गायब होने लग जाते हैं। लोगों को आश्चर्य लगता है, कुछ समझ में नहीं, अभी तक आपको खाना चाहिए था, कल्प वृक्ष के पास गए, भोजन की डिमांड की, भोजन मिल गया, आ गया। अब वो कल्प वृक्ष चला गया तो लोग क्या करें? कपड़े कहाँ से लाएं? मकान कहाँ से लाएं? और भी सारी सामग्रियां जो प्राप्त होती थी वो कैसे प्राप्त करें? तो उस समय 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 पर आप जैसे पुराण वगैरह पढ़ेंगे ना, आदि पुराण वगैरह पढ़ेंगे, इन पुराणों में बताया एक एक कुलकर हुए, फिर किसने क्या क्या किया। अब मान लो अचानक से रात और दिन होने लगे, भोग भूमि में ऐसा नहीं होता था, है ना। अब वो अंधकार होने लगे, लोग डरने लगे, चंद्रमा दिखने लगे, सूर्य, ये तारे दिखने लगे, और तारे दिखने लगे तो वो जो सारे जीव थे भी डरने लगे, क्योंकि अरे ये क्या है, कहाँ ऊपर से कौन आ रहा है, कोई अटैक तो नहीं हो रहा है, एलियन का अटैक तो नहीं हो रहा है हमारे ऊपर, क्या हो रहा है क्या नहीं। लोग डरते थे, घबराने लगते थे। तो ऐसे समय समय पर कुलकर हुए जिन्होंने लोगों को शिक्षा दी, जिन्होंने लोगों को बताया कि देखो भैया ये ऐसे है, अब हमारे को ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। और धीरे 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 करके ऐसे जीव भोग भूमि के माध्यम से फिर कर्म भूमि में प्रवेश करते हैं, ठीक है। देखिए 14 कुलकर तक हमारी बात हो गई थी, अब हम आगे बढ़ते हैं। 166 पेज पर सबसे लास्ट लाइन जो है, लास्ट पैराग्राफ जो है, वहां से पढ़ना शुरू करना है। देखिए, उनमें प्रथम प्रतिश्रुति, 14 कुलकरों के नाम बता रहे हैं, द्वितीय सन्मति, तत्पश्चात क्षेमंकर, फिर क्षेमंदर, फिर सीमंकर, फिर सीमंधर, फिर विमलवाह, आठवा चक्षुष्मान, नौवा यशस्वी, तत्पश्चात अभिचंद्र, चंद्राभ और मरुदेव, 13वा प्रसेन और अंतिम नाभिराज। इस प्रकार विद्वानों के द्वारा यह 14 कुलकर पुरुष उत्पन्न हुए माने गए हैं। विचार करके देखो, एक क्षण में आपको इन 14 कुलकरों में से कितनों के नाम याद थे? वो भी आदिनाथ के पिताजी थे इसलिए, और हमने उनके जन्म कल्याणक बहुत मनाए हैं और पूजा की है, तो हमारे को नाम याद हो गया। विचार करके देखो, हम लोग कैसे नामों में पागल होते हैं, और ये इतने बड़े बड़े राजा हुए, इतने इतने बड़े कुलकर हुए, इतना इतना जीवों का उद्धार किया, और किनको किसके नाम याद रहते हैं? विचार करके देखें, हम आज मनुष्य गति में चूंकि मान कषाय की मुख्यता होती है ना, तो हमारे को ऐसा लगता है कि हमारा नाम हो जाए ना तो जीवन सार्थक हो जाए। हमारे मम्मी पापा भी यही सिखाते हैं, घर वाले भी यही सिखाते हैं, समाज भी इसी को मानती है, बहुत नाम कर लिया है, बहुत नाम हो गया है, आप तो धन्य हो गए हो, आपका तो बहुत अच्छा बेटा हो गया है, पूरी जगह नाम कर रखा है उसने, और हमें भी लगता है हाँ सफल जन्म मेरा हुआ। सोचो, विचार करके देखो, क्या है नाम? अपना है नाम, अपना दिया हुआ है। पढ़ो कोडमल जी ने जो प्रस्तावना में सारी बातें लिखी हैं, मैं हूं जीव द्रव्य, है ना, चेतना स्वरूपो मेरो, है ना, फिर सारी सारी बातें उन्होंने बताई कि कैसे ये कुटुंब को मेला भयो, कोडमल कहे सब कोय, सारी बातें उन्होंने बताई कि नहीं बताई? सारे कुटुंबी लोगों ने मिलकर के टोडरमल नाम रख दिया, तो टोडरमल नाम से प्रसिद्ध हो गए। बोलो, हमारा नाम कोई डब्बू चब्बू टब्बू रख देते तो उस नाम से चलने लग जाते हैं। अपना दिया हुआ क्या है बताओ? इसमें सिर्फ हमारी पहचान हो सके इसलिए नाम दिया जाता है, जगत की व्यवस्था चल सके बस इसलिए नाम दिया जाता है, और हम लोग समझते हैं कि उस नाम को, सोचो जब चक्रवर्तियों की क्या हालत है तो हमारी क्या हालत होगी। कल हमने देखा था ना, हुंडा सर्पणी काल के प्रभाव से चक्रवर्ती का भी मान भंग हुआ। भरत जी का प्रसंग आप सबको ख्याल में ही होगा, वृषभाचल शिला पर नाम लिखने जाते हैं तो वो शिला पूरी भरी पड़ी है, सोचो। और वो ऐसी इतनी ऐसे वो नहीं होती, क्या कहता हूं मैं, वो ईंट नहीं है, छोटी सी योजनों लंबी शिला है, सोच सकते हो आप। हाँ, वो तो ऐसे इस युग का पहला चक्रवर्ती, पहला तो पहले ही होता है, फर्स्ट पोजीशन। अब सेकंड, हमें भी देखो चक्रवर्तियों में से कितनों के नाम याद है, दो चार जो नरक में गए उनके याद है,
वो भी इसलिए याद है क्योंकि वो नरक में गए। बोलो। हाँ वो तीर्थंकर थे इसलिए याद है, शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ। आप विचार करके देखो, कुछ कुछ स्वर्ग भी गए, कुछ कुछ मोक्ष भी गए, उनमें से हम लोगों को कितने नाम याद है। वो तो इस वजह से गए कि हम चक्रवर्ती हैं। सोचो हम चक्रवर्ती के मुकाबले क्या है, कुछ भी नहीं है। और फिर भी जब वे देखते हैं तो उनसे पहले इतने सारे चक्रवर्ती हो चुके हैं, फालतू में मान में घूम रहे हैं। विचार करके देखो, कल मैं गुड़स्थान विवेचन पढ़ाता हूँ स्मारक में, जयपुर में जो महाविद्यालय चलता है वहां पे। तो कल कक्षा में एक बहुत अच्छा प्रकरण आया था सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में, उसमें एक विषय आया शाम को। उसमें एक इतनी अच्छी बात कही टोडरमल जी ने, काम भोगादिक का पक्षपाती कहता है कि स्वाध्याय करने से क्या होता है, शास्त्र अभ्यास करने से क्या होता है, विवाह अधिक कार्य किए जाएं, खाना पीना कहा किया जाए जिससे इस लोक में बड़ाई होती है, ऐसे काम किए जाए। ये पीठिका में प्रश्न उठाया, अभ्यास करने वालों को कौन बड़ा मानता है, कोई नहीं मानता ना। एक बढ़िया सी गाड़ी खरीद के लेके आ जाए तो पूरे समाज माहौल बन जाता है, चर्चाएं चर्चाएं होने लग जाती है हमारी, है ना। एक बहुत बढ़िया 5-10 मंजिला मकान बना ले, एकदम बढ़िया सुख सुविधा संपन्न, बातें होने लग जाती। ये है ना बड़प्पन के कारण है, ऐसी खतरनाक शादी की जाए, सब लोग चर्चा करने लगे, ये ऐसे काम किए जाएं, अभ्यास करने में क्या रखता है। टोडरमल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, तूने ये जो प्रसिद्धि होने वाली बात कही, ये कितने दिन रहेंगे सोचो, विचार करो, सोचो कितने कितने लोग आते हैं और हम कितने कितनों को याद रखते हैं। मैं अक्सर ये देखता हूं कितनी कितनी पढ़ाई चल रही है, उसमें बच्चे कितनी कितनी मेहनत करते हैं और टॉप आते हैं, और उनके अखबारों में नाम छपते हैं, बैनर लगते हैं। और कोटा जाओगे ना आप, तो वहां तो बहुत बड़े बड़े सब इंस्टीट्यूट वाले बड़े बड़े फोटो वाले लगाते हैं, कौन किसकी फोटो पर ध्यान दे पाता है बताओ। सोचो हम आपको पूरा कोटा घुमाएं और आपसे पूछें, बताओ आपने किन किन की फोटो देखी, तो आपको कुछ याद रह पाएगा, जबकि उस बच्चे ने कितनी मेहनत करके वो उस एग्जाम में सफलता प्राप्त की। लेकिन टोडरमल जी कह रहे हैं कितने दिन रहने वाली है, कल को दूसरा एग्जाम होगा, तुम्हारा पोस्टर हट गया, दूसरे का पोस्टर लग जाएगा। बोलो, तुमने 1 लाख रुपए शादी में खर्च किया, दूसरा 2 लाख करेगा, तुम्हारा नाम गया, उनकी शादी बहुत अच्छी हुई। विचार करके देखो ये बड़ाई कितने दिन रहने वाली है। तुमने 2 मंजिल मकान बना लिया, सामने वाला 4 मंजिल की तैयारी कर रहा है, बोलो कितने दिन की बड़ाई रहने वाली है। वहां उन्होंने कहा कि इस लोक में तेरे से भी अधिक संपन्न लोग हैं जो तेरे से भी अधिक खर्चा करने वाले हैं। सुनना बड़ा, अब टोडरमल जी ने गणित लगाई, उन्होंने कहा कि बड़ाई तो रहेगी बहुत अल्पकाल की, लेकिन उस बड़ाई की प्राप्ति के लिए जो तुम पाप करोगे, उस पाप का जो फल मिलेगा वो बहुत काल तक भोगना पड़ेगा। इसलिए होशियार रहो, दुनिया जो कर रही है उसमें पागलपन मत हो। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शादी देखो, शादी कितने दिन की होती है, 1 दिन की, और 1 दिन की शादी के लिए कितना पैसा खर्चा किया जाता है, कितनी मेहनत की जाती है। नंबर 2 का कमा रहे हैं, इससे कमा रहे, उससे कमा रहे, न्याय नीति से कमा रहे तो अलग बात है, लेकिन न्याय नीति से भी गृद्धता पूर्वक कमा रहे हैं तो भी पाप भाव है। अब टोडरमल जी कह रहे हैं उस पाप का जो बंध होगा और उससे बहुत काल तक नरक आदि में दुख सहने पड़ेंगे। अब तुम्हारी जो प्रसिद्धि है वो तो थोड़े काल की, अब विचार कर लो तुम्हें क्या चाहिए, बहुत काल तक नरक के दुख भोगने हैं कि थोड़ी सी प्रसिद्धि के चक्कर में आना है। हाँ ऐसी बात है। देखिए तो मैं तो मुझे 14 कुलकरों के नाम से, ऐसे ही सब में ही है। मैं आपसे पूछूं भूतकाल की 24 ही के नाम सुनाओ, 2-4 के। अभी तो भाई साहब आप हमसे पूछो मत, वर्तमान के ही नहीं बता पाएंगे हम तो। सोचो विचार करो, हमें भूतकाल की 24 ही के नाम याद नहीं है ना, तो हम माने और हम सोचते हमारा नाम अमर रहेगा, कैसी बेवकूफी करते हैं। सोचो आप सोच नहीं सकते इस दुनिया में लोग नाम अमर करने के लिए क्या-क्या नहीं करते, लेकिन कोई ये विचार नहीं करता कि उनका नाम कभी अमर नहीं रहने वाला। हर राजा ये सोचता है कि मेरा नाम अमर रहे। इतिहास में जो राजा हुए हैं ना, उन सबका देखो कोई काम धाम तो होता नहीं था, भोग प्रधान जीवन होता था, तब पिताजी से संपन्नता मिल गई और सारी काम चलते रहते थे। वे सोचते थे अब हम ऐसा कुछ करें जिससे हमारा इतिहास में नाम अमर रहे। मैं आपसे पूछूं कि इतिहास में भारत में कितने राजा हुए, आपको कितने नाम याद है बताओ। अब जब भारत के नहीं पता तो फिर ग्रीक के,
इधर के उधर के कितने कितने राजा हुए हर क्षेत्र में, कौन किसके नाम याद रखता है भैया? आप कितनों के नाम याद रखते हो जो दूसरे आपके नाम याद रखेंगे, इसलिए इस बड़प्पन के चक्कर में मत उलझना। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये सब जाति स्मरण, जाति स्मरण समझते हैं? जाति स्मरण कोई बड़ी बात नहीं होती है। जाति स्मरण का मतलब होता है पूर्व में की हुई बात का स्मरण होना, ठीक है, उसे जाति स्मरण। जाति स्मरण आज दुनिया में बहुत हवा माना जाता है या एक ज्ञानी होने का लक्षण माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। जाति स्मरण किसी साधारण मिथ्या दृष्टि मनुष्य को भी हो जाता है। अरे मनुष्य तो छोड़ो, तिरंचों को भी हो जाता है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जाति स्मरण एक प्रकार से स्मृति है। कैसे हो जाता है आपको, कैसे याद रह जाता है? जैसे उन्हें रह जाता है, जैसे हम संगी पंचेंद्री हैं, हमें अपनी पूर्व की घटनाओं का याद रहता है, वैसे उन्हें भी याद रह जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए जाति स्मरण में आपको बता रहा था कि परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत आता है। परोक्ष ज्ञान है ना, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, उसमें से ये स्मृति का एक भेद है जिसे जाति स्मरण कहते हैं, ठीक है, जिसमें पूर्व की हुई घटनाएं जो है वो याद आ जाती हैं। आपने देखा ना, बहुत जगह ऐसा होता है कि कोई बच्चा जन्म लेता है, फिर वो अपने पूर्व की सारी घटनाएं बताता है, तुम ऐसी थी, तुमने ऐसे किया था, फिर ये हुआ था, फिर ऐसा ऐसा हुआ, वो पूरी बातें बता देता है ना, तो वो उसी जाति स्मरण के आधार से बता देता है। कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखिए, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के अंतर्गत ही आने वाला विषय है। ये सब जाति स्मरण से संयुक्त व दिव्य ज्ञान रूप नेत्र से सुशोभित, उनमें कितने ही अवधि ज्ञान के धारक थे, इसलिए उन सब ने उस समय के प्रजाजनों को सभी लोक की स्थिति को, अर्थात भिन्न भिन्न समय में होने वाले परिवर्तन को दिखलाया था। समय में जो चेंज आ रहा था ना, मैंने आपको बताया भोग भूमि से अब कर्म भूमि की तरफ आ रहे थे, तो जो परिवर्तन हो रहे थे उस परिवर्तन के समय में उन्हें सम्यक ज्ञान कराया कि देखो भैया अब ऐसा होने वाला है, अब ऐसा होगा। जिस प्रकार प्रभात काल पूर्व दिशा में तेजस्वी सूर्य को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अंतिम कुलकर नाभिराज ने मरुदेवी महादेवी के से प्रथम तीर्थंकर आदि जिनेन्द्र को उत्पन्न किया था, ठीक है। भगवान आदि जिनेन्द्र, आदिनाथ भगवान को भी 15वां कुलकर कहा जाता है ना। हालांकि 14 ही कुलकर होते हैं, लेकिन अगर आप आदि पुराण आदि ग्रंथों को देखेंगे तो इनको भी कुलकर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भी तो असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प आदि का उपदेश दिया ना लोगों को। बताया कि नहीं बताया लोगों को? खेती करना नहीं आता था, अभी कह रहे हैं कि साहब कैसे करें, तो उनने बताया बीज को ये डालो, वैसे वो ये करो, अब वो फसल, अब क्या करो साहब, वो तो बड़ी बड़ी फसलें आ गई। लोग डरते थे, आपको आश्चर्य होगा फसलों से कोई कैसे डर सकता है। अब लेकिन अब वो बड़ी बड़ी फसलें आ गई, गन्ने की फसल आ गई, अब लोग डरने लगे, डर डर के इनके पास, भैया आप क्या करें क्या करें, तो बताते थे फिर ऐसे करो। फिर कह साहब हमारे खेत में से वो पशु खा जाते हैं, ये तो प्रसिद्ध है ना, ये तो याद है ना आपको। तो उन्होंने कहा अच्छा पशु खा जाते हैं, तो उन पशुओं के मुंह पे वो लगा दो वैसा। हाँ ये सब है। तो ये सब आदिनाथ भगवान ने भी लोगों, गृहस्थ भगवान दशा में नहीं, राजा की, क्योंकि राजा थे ना, तो राजा उचित जो कार्य होता है वो किया, प्रजाजन की रक्षा करना वो करते थे, इसीलिए उपचार से उन्हें भी कुलकर कहा गया। भगवान आदि जिनेन्द्र जब स्वर्ग से अवतार लेने को हुए, अवतार का मतलब जन्म, ठीक है, वो नहीं जैसे अन्य मतावलंबियों में अवतार होता है। भगवान आदि जिनेन्द्र जब स्वर्ग से अवतार लेने को हुए, माता मरुदेवी के गर्भ में आने वाले थे, तब इंद्र ने भक्ति के वश होकर अयोध्या नगरी को दिव्य कोट और भवनों से विभूषित करते हुए रत्नमयी कर दिया था। आपको आश्चर्य लगता है? मुझे नहीं लगता। एक बात बताइए, जब डोनाल्ड ट्रंप हमारे इंडिया में आ रहे थे, पर थोड़ी बहुत तो ये सब खबरें रखते होंगे ना आप लोग भी, है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति जब हमारे भारत का दौरा करने के लिए आ रहे थे, तो हमारी सड़कें कैसी चमकाई जा रही थी, और वो जो स्लम एरिया था उसमें कैसे वो ईंट लगा लगा करके बिल्डिंगें तैयार की जा रही थी। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? जब एक मिथ्या दृष्टि प्रेसिडेंट के लिए, संसारी, अनंत संसारी के लिए ये सब किया जा सकता है, तो उस विचार करके देखो, जो तीर्थंकर के जीव हैं, शाईक सम्यक दृष्टि हैं, जन्म से ही तीन ज्ञान के धारी होने वाले हैं, और ये सब तो छोड़ो,
उनके निमित्त से इस भव में कितने कितने जीवों का कल्याण होने वाला है। वे साक्षात इस विश्व में आने वाले हैं, इस मध्य लोक में आने वाले हैं, अयोध्या नगरी में आने वाले हैं। तो तैयारियां बनती हैं कि नहीं बनती हैं? तो इतने सर्वो आपको पता ही है, तीर्थंकर प्रकृति सभी कर्मों में सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति होती है, नाम कर्म की प्रकृति है। और सबसे विश्व में अगर आप बोले सबसे बढ़िया पुण्य, सबसे उत्कृष्ट लेवल का पुण्य, वो है तीर्थंकर नाम कर्म का। महापुण्य का उदय होता है तो बहुत पुण्यशाली होते हैं। देखिए पॉइंट टू भी नोटेड, अन्य मतावलंबियों में इंद्र को पूजा जाता है, अगर आप देखेंगे है ना, हमारे यहाँ वो इंद्र भी भगवान की सेवा के लिए निकलते हैं, भगवान की सेवा के लिए तत्पर होते हैं। देखिए अब बाकी आपने पंच कल्याणक में तो सब देखा ही है कैसे सौदर मादे इंद्र भगवान की भक्ति करते हैं। देखिए भगवान आदि जिन्हें ये हो गया, तो उन्होंने बिल्कुल पूरी अयोध्या नगरी को दिव्य कोट बाउंड्रीज वगैरह और भवनों से विभूषित करते हुए रत्नमयी कर दिया था, कोई गरीबी नहीं रहे। जन्म लेने के पश्चात जब भगवान ऋषभनाथ विवाह के योग्य हुए, तब इंद्र ने उनके लिए नीति और कीर्ति के समान नंदा और सुनंदा नाम की क्रम से कच्छ और महाकच्छ राजाओं की पुत्रियों की योजना की, अर्थात उनका उक्त दोनों कन्याओं के साथ विवाह संपन्न करा दिया। इन दोनों पत्नियों से उनके ब्राह्मी और सुंदरी नाम की दो कन्याओं के साथ 100 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सब उनके मन को प्रमुदित करते थे। कल्प वृक्षों के नष्ट हो जाने पर जब प्रजाजन व्याकुलता को प्राप्त हुए, तब उनके द्वारा पूछे जाने पर भगवान आदि देव, देखो है कल्प वृक्ष नष्ट हो गए तब लोग आए परेशान हुए, भगवान आदि देव ने उन्हें जीवन की स्थिरता की कारणभूत असी मशी आदि रूप 6 क्रियाओं का उपदेश दिया था। तत्पश्चात सभा भवन में नृत्य करती हुई नीलांजना नामक अप्सरा को अकस्मात मरण को प्राप्त हुई देखकर भगवान ने अपने मन में इस प्रकार विचार किया। अब यहाँ एक जन्म हो गया, राजपाट संभाला, और अब वैराग्य के प्रसंग की बात यहाँ की जा रही है, दीक्षा कल्याणक की बात कर रहे हैं। कैसे हुई हम सभी को ख्याल में ही है, लेकिन इस प्रकरण से मैं एक उस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ जहां आप लोगों का ध्यान नहीं जाता। सुनना खतरनाक बात, भगवान आदिनाथ जब मैं बोलूं तो आप ये नैगम नय से बोल रहा हूँ, ठीक है? उस समय भगवान नहीं थे, हमारे यहाँ बहुत भूत नैगम नय, भावी नैगम नय, ये सब नैगम नय होते हैं, तो घबराना मत। भगवान कैसे राजपाट है, एक नैगम नय। बच्चों को हम समझाते हैं कि भगवान की शादियां नहीं होती, वो बात सही है, लेकिन हम ऐसे कह सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ नए हैं। चलिए वापस आ जाइए। तो जब आदिनाथ राज अवस्था में थे तो वे बूढ़े होते जा रहे थे, 84 लाख पूर्व की आयु थी, और 84 लाख पूर्व में से 83 लाख पूर्व तो बीत ही गया। सिंपल से समझो, 84 की किसी की आयु हो और जिसमें से 83 साल बीत गए हो और अभी तक कोई दीक्षा नहीं, आराम से नीलांजना का नृत्य देख रहे हो। तो सौधर्म इंद्र को लगा, विकल्प आया है ना, उनको लगा कि ये भगवान दीक्षा कब लेंगे, क्योंकि 84 लाख पूर्व में से 83 लाख पूर्व वर्ष तो बीत ही गए, पहले ही तीर्थंकर लेट हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सौधर्म इंद्र ने भगवान को वैराग्य आए, वैराग्य में निमित्त हो, इसीलिए नीलांजना को भेजा। नीलांजना को अपॉइंटमेंट क्यों किया गया, क्योंकि नीलांजना की मृत्यु होने वाली थी। एक बात मैं आपसे पूछूं, देवगति के दुख बताऊं, सबको मर के देवी होना है ना, सुन लो देवगति के दुख। आप सच सच बताना, अगर आप देव हो और आपको पता चल जाए कि आज आपकी मृत्यु होने वाली है, तो आप क्या चाहोगे, क्या चाहोगे कि आज अब पक्का खबर है कि आज जाने वाले हो, तो आप चाहोगे कि नहीं चाहोगे, भैया आज हमारे को ऑफिस से छुट्टी मिले, माने जो काम वर्क कर रहे हैं ना उस वर्क से हमारे को छुट्टी मिले और हम धर्म ध्यान करें। आपको पता है देवों में ऐसा नहीं हो सकता, अगर आज्ञा होती है तो उस आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। एक बार एम्प्लॉई अपने ऑफिस में जो वो होता है बॉस होता है,
उस बॉस की मात को मना कर दे नौकरी छोड़ के चला जाए, लेकिन देवगति में ऐसा नहीं होता। कुछ ख्याल में आ रहा है? कुछ समझ? देवगति के दुख बता रहा हूं आपको। देवगति बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है। स्वधर्म इंद्री की आज्ञा हुई और इसीलिए नीलांजना को भेजा गया, क्योंकि नीलांजना का आज क्या होने वाला था? मरण होने वाला था। और नीलांजना उस बात को मना भी नहीं कर पाए कि मुझे नहीं जाना है, आज मुझे धर्म ध्यान करना है। नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे प्रसंग होते हैं। बोलो, आप अपने बच्चों को एक नाटक करवाओ और उस नाटक में आपके बेटे को गधा बनना हो, बनेगा? तुरंत मम्मी लड़ना आ जाएंगी, का है तुम कहा समझते हो हमारे लड़का तुम गधा बना रहे हो, तुम्हें पता है उसके स्कूल में कितने नंबर आते हैं? विचार करना, जब हम एक नाटक में अपने बच्चे को तिरंज गति का जीव बनता हुआ देखते हैं तो परेशानी होती है कि नहीं होती है? यहाँ तीर्थंकर के जलाभिषेक के समय जब सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होता है और एरावत हाथी आता है, वो एरावत हाथी कोई तिरंज गति का जीव नहीं होता है, देव गति का जीव होता है। तो समझ में आ रहा है? देव को भी क्या बनना पड़ता है? हाथी बनना पड़ता है। पढ़ो तत्वार सूत्र, पढ़ो देवों के भेद, पढ़ो। आपको पता है जैसे अपने यहाँ बॉडीगार्ड्स टाइप के लोग होते हैं ना, ऐसे देवों में भी होते हैं। जैसे अपने यहाँ द्वारपाल होते, द्वारपाल जो गेट पे खड़े रहते हैं, गेट कीपिंग का, वॉचमैन का काम करते हैं, ऐसे ही देव गति के जीव होते हैं जो द्वारपाल नामक द्वारपाल होते हैं। जैसे किलविश जाति के देव होते हैं द्वार, ये बहुत हीन है ना, ऐसे बहुत हीन हीन जाति के देव होते हैं। आपको क्या लगता है देव गति में जाकर के सब बढ़िया ही बढ़िया होता है? अभी कुछ खबर नहीं ना, स्वाध्याय नहीं किया, खबर नहीं है, तत्वार सूत्र नहीं, बस स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, सबको स्वर्ग जाना है। लेकिन स्वर्ग गति के जो दुख है वो हमारे को खबर नहीं है। इसलिए भैया मैं नीलांजना के प्रसंग से मैं आपको बता रहा हूं कि नीलांजना को अपने मरते दम तक ड्यूटी निभानी पड़ी, मना नहीं कर सकी। ठीक है, अगर अंदर में मान लो वो नहीं भी चाहती तो भी बाहर वो एक्सप्रेस वैसा नहीं कर सकते। देखिए, तो आपको वो पूरी घटना पता ही है, नीलांजना की मृत्यु होती है, दूसरे तुरंत ला करके रख दी जाती है, किसी को खबर नहीं पड़ती है। लेकिन आदिनाथ के जो जीव होते हैं वे इसको बराबर पहचान लेते हैं और उनको बस यही बात बहुत हर्ट करती है। कौन सी बात? कि बताओ मेरे मनोरंजन के लिए ना, एक व्यक्ति का मरण हो गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया और सब मनोरंजन में, किसी को कोई खबर नहीं, मनोरंजन में विघ्न हुआ, किसी कोई मर गया और दूसरा ला दे गया। एक तीन अपने यहां भी कोई मरता है तो दो मिनट का मौन रखते हैं कि नहीं रखते हैं? फॉर्मेलिटी के लिए ही। वहां देव गति का जीव जो है वो आपके मनोरंजन करता करता मर गया, कम से कम दो मिनट तो मौन रखना चाहिए था। और जगत की स्वार्थ वृत्ति देखो कि चलो तुम हट गए, हटाओ, रिप्लेस कर दिया गया। पॉइंट टू बी नोटेड, इस दुनिया में, इस विश्व में ऐसा कोई पद नहीं है जिसके जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सके। अब मैं क्या ही बोलूं, हिंट दे दूं, पत्नी के आते ही अब माता पिता को कैसे रिप्लेस कर दिया जाता है, ये घर घर नहीं देखा जा रहा है? विचार करके देखो, बच्चों के आते ही तुरंत हम कैसे अब सारी चीजों को रिप्लेस करने लगते हैं। एक नौकर अच्छा नहीं, निकाल के दूसरा नौकर रख लेते हैं। एक बर्तन वाली काम नहीं करती, निकाल के दूसरी बर्तन वाली, रिप्लेस कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? कैसी जगत की स्वार्थ वृत्ति है। ऐसी नीलांजना मरी और दूसरी नीलांजना को वहां पे प्रस्तुत कर दिया गया। विचार करिए, आगे देखते हैं। तो उनको वैराग्य हुआ जिस प्रकार से यह, अब देखो वो क्या विचार करते हैं, जिस प्रकार से यह देवांगना देखते ही देखते बिजली के समान नष्ट हो गई, उसी प्रकार से प्राणियों को मोहित करने वाली यह समस्त लक्ष्मी भी नष्ट होने वाली है। कदाचित बालू में पानी और आकाशपुरी में महापुरुष भले ही प्राप्त हो जावे, परंतु असार संसार में कभी सुख नहीं प्राप्त हो सकता। ये निष्कर्ष है, सत्य है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कभी चेंज नहीं होने वाला है। संसार असार है, कब कब? चौथे काल में, पंचम काल में, तीसरे काल में कि दूसरे काल में? संसार असार है। कौन सा वाला संसार? अपना इंडिया वाला कि अमेरिका वाला? भरत क्षेत्र के विदेश क्षेत्र?
भरत क्षेत्र में तो संसार असार है और विदेह क्षेत्र में संसार सार है। अरे भैया, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी काल में हो, यह संसार कैसा है? असार है। आप तो पंचम काल में हो ना, यहाँ भगवान आदिनाथ चौथे काल में थे, वे चौथे काल में विचार कर रहे हैं। देखो, प्राणी जिस अभीष्ट वस्तु के बिना यहाँ एक क्षण भी नहीं रह सकता, वह अग्नि के समान संताप जनक उसके वियोग को भी सहता है। बोलो, नहीं रह पाते ना, और जैसे उसका वियोग होता है वैसे तड़पन होती है ना। जैसे किसी का भी एग्जांपल ले लो, जैसे हमारे को एसी में रहने की आदत हो और हमारे आज घर की एसी खराब हो जाए तो क्या हालत होती है? बस वही, ये दुख शुरू हो जाता है। हानि को प्राप्त हुआ भी चंद्रमा पुनः वृद्धि को प्राप्त होता है, शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष होता है ना, तथा बीता हुआ भी दिन फिर से आकर प्राप्त होता है, परंतु गया हुआ यौवन अर्थात जवानी नदी के पानी के समान फिर से नहीं प्राप्त हो सकता। क्या कह रहे हैं कि एक बार जो आयु बीतती जा रही है, समय बीतता जा रहा है, वो दोबारा नहीं आ सकता। जिस प्रकार प्रवास के कुछ थोड़े से समय के लिए पथिकों का संयोग हुआ करता है, होता है कि नहीं होता है? आप ट्रेन में जाते हो तो लोग मिल जाते हैं, फ्लाइट में जा रहे हो तो लोग मिल जाते हैं, बस से किसी से भी जा रहे हो तो लोग मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते? संयोग होता है कि नहीं होता है? किसी धर्मशाला में रुके हो आप, किसी होटल में, कहीं भी रुके हो आप, तो वहां लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? शिखर जी की यात्रा के लिए जाते हैं, वहां लोग मिल जाते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं कि प्रवास के कुछ थोड़े से समय के लिए पथिकों का संयोग हुआ करता है, उसी प्रकार यहाँ संसार में बंधु जनों का भी कुछ थोड़े से ही समय के लिए संयोग रहता है। ये बहुत अच्छी पंक्ति है। हम लोगों को आजकल पता कैसा चिंतन हो रहा है, पता नहीं कैसे जिएंगे अब पूरी जिंदगी, ऐसे लोग लगता है ना ऐसे, जैसे मान लो कि कोई भी, मान लो जैसे मान लो कि अपना बेटा अच्छा नहीं निकले, वो आज्ञाकारी नहीं निकले, तो अपन को लगता है ना पता नहीं कैसे जिएंगे पूरी जिंदगी, हाय राम क्या होगा मेरा, कितनी टेंशन आने लगती है ना सर पे, है ना। कोई मान लो कि बहुत प्रतिकूल आ जाए, मानो पत्नी प्रतिकूल हो जाए, पति प्रतिकूल हो जाए, बच्चे कोई भी हो जाए, तो अपन कैसे चिंतन करने लगते हैं कि हाय कैसे जिएंगे, अब क्या होगा भैया, हमसे नहीं जी पाएंगे। और यहाँ कह रहे हैं थोड़ी सी तो बात है, कहाँ है तुम थोड़ी सी कह रहे हो, आगे के 60-70 साल कैसे जिएंगे? तुम्हें 60-70 साल बहुत लगते हैं? यह जीव अनादि अनंत है, उस अनादि अनंत काल में 60-70 वर्ष क्या है बताओ? विचार करके देखो, हम लोगों को लगता है कि हाय बहुत है बहुत है, हम कैसे जिएंगे, जिंदगी कैसे काटेंगे, हम नहीं जी पाएंगे आज से, तुम अलग हम अलग, हम नहीं निभा पाएंगे तुमसे, हम नहीं जी पाएंगे तुम्हारे साथ, ऐसा लगता है, ऐसे विकल्प आ जाता है। और यहाँ कहते हैं भाई अनादि अनंत काल में विचार करो, ये 60-70 से वर्ष कितने अल्प हैं, बहुत अल्प हैं, बहुत कम हैं। जैसे मान लीजिए आप एक दिन के लिए कहीं गए और धर्मशाला में बगल में कोई जो यात्री ठहरे हुए हैं वो अच्छे नहीं हैं, आपको हॉल मिला, आपको रूम भी नहीं मिल पाया, मानो हॉल मिला और हॉल में आपको सबके साथ रहना है, तो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? मान लो कुछ लोग नहीं हो अच्छे, प्रतिकूल हो, तो आप क्या करते हो, क्या विचार करते हो कि क्या करना अपन को, 2-3 दिन तो रहना ही है, कौन सा यहाँ हमेशा भर के लिए रहना है? विचार करते हैं कि नहीं करते हैं? और यहाँ हमेशा के लिए रहना है, बोलो घर में हमेशा के लिए रहोगे? एग्रीमेंट हो गया है क्या, कोई मिला आज तक कि जो हमेशा के लिए घर में रह गया हो? मरने के बाद घर में रहोगे तो तुरंत बाहर निकाल के जला दिया जाता है, और ऐसा हो जाता है फिर तुम्हें छूने के बाद भी फिर हाथ धोने पड़ते हैं, नहाना पड़ता है, होता है कि नहीं होता है? हम तो घर में ही रहेंगे, कैसे रहोगे घर में? जैसे धर्मशाला में थोड़ा सा समय है, जैसे भी लोग मिले हैं, चाहे अच्छे हो, अच्छे भी मिल जाते हैं पड़ोसी और कभी बुरे भी मिल जाते हैं, ऐसे ही हमारा कुटुंब है, ऐसे ही हमारा परिवार है, ऐसे ही परिवार के लोग हैं। आप विचार करो, जो आपको बेटा मिला है वो कहाँ से आया है? ऐसे ही तो आया है, जो आपने पति डिसाइड किया, आपने पत्नी डिसाइड की, माँ बाप मिले, ये सारे कैसे हैं भाई? चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, थोड़े वर्ष का जीवन है, थोड़ी सी जिंदगानी है। सुनो, मैं तो कहता हूं अगर प्रतिकूल हो तो बढ़िया ही है,
कैसी बातें करो आप, हमारे लिए ऐसी कामना करते हो, बताओ ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अरे कम से कम प्रतिकूलता में तुम उन्हें अकर्ता तो देखोगे, प्रतिकूलता में कम से कम तुम अपने कर्म का उदय तो विचार करोगे, प्रतिकूलता होगी तो कम से कम धर्म ध्यान में थोड़ा समय तो बिताओगे, घर में टेंशन होगी तो मंदिर में ज्यादा समय बिताओगे। अच्छा ही है ना, जितना समय धर्म में बीत सके उतना बढ़िया ही तो है, जितना उपयोग हमारा धर्म में लग सके उतना अच्छा ही तो है। जब सब अनुकूल होते हैं तो सब अपने लगते हैं, लेकिन जब प्रतिकूल होते हैं तब समझ में आता है कि हम ना किसी के, कोई ना हमारा। तो धर्म का चिंतन, धर्म का विचार, वस्तु स्वरूप का विचार इन प्रतिकूल निमित्तों से ही तो होता है। मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर डांस बिल्कुल सही चलता रहता तो उन्हें कहां वैरा क्या आता आता, लेकिन वो थोड़ा सा स्खलन हुआ, थोड़ा सा समय हुआ तो उनको वैराग्य आया, वैराग्य में निमित्त हो गया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मृत्यु नहीं देखी होगी, पॉइंट टू बी नोटेड, लेकिन जब काल लब्धि आएगी तभी तो होगा। ख्याल में आया है? देखो तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि परिवार के लोगों के ज्यादा टेंशन मत लिया करो, ठीक है? क्या विचार किया करो, यही विचार किया करो कि देखो हम सभी लोग, अलग अलग गतियों से आए हैं, ये निश्चित बात है, ये नक्की वाली बात है। इस और हमारे विचार कभी नहीं मिले, किसी के भी फैमिली में नहीं मिलते, आपके में भी नहीं मिलते। अरे आप मेरी क्या बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूं आदिनाथ भगवान की भी फैमिली में नहीं मिलते। मिलते हैं बताओ, विचार करके देखो। भरत चक्रवर्ती के और मारीची के विचार मिले थे? तो पहले तीर्थंकर चौथे काल में जब शुरुआत से ये हो रहा है तो हमारे फैमिली में कैसे, जबकि वहां तो सम्यक दृष्टियों की फैमिली थी और हम सब यहाँ नियम से मिथ्या दृष्टियों की फैमिली है। ए, आप ऐसे क्यों कह रहे हो, हम अगर सम्यक दर्शन होता तो यहाँ जन्म नहीं लिया होता। इस पंचम काल में, इस हीन काल में, निकृष्ट काल में जन्म नहीं लिया होता। हमारे सबके भाव अलग अलग हैं, हम सबके कषायें अलग अलग हैं, कैसे मेल खाएंगी? इसीलिए बहुत विकल्प मत किया करो, ज्यादा मत अपने उपयोग को भ्रमाया करो, यही विचार करो थोड़ी सी जिंदगी है, डिपेंड मेरे पे करता है कि चाहे मैं शांति से अपना जीवन बिताऊं, चाहे हाय तौबा करके जीवन बिताऊं। ख्याल में आ रहा है? लेकिन जिंदगी थोड़ी सी, आपको 60-70 वर्ष जितने भी समय है ना, आप ये सोच लो कि अब आपको क्या लगता है कि आप मैक्सिमम कितना जी पाओगे? इतने वर्षों से जब हमने कषाय रूप परिणाम किए, संक्लेश रूप परिणाम किए, तो क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये जरूर हुआ कि परिणाम खराब खराब कर करके हमने अपने जो कर्म का बंद किया है वो जरूर किया है। अब क्या करना चाहिए? होशियारी इसी में ही है कि जो होता है होने दो, होनी को स्वीकार करो। जैसा भी है, मेल नहीं खा रहे, ऐसा नहीं हो रहा, तो शांति से जो होता हो वो करो, परिणाम खराब मत रखो, क्योंकि कभी भी सभी के परिणाम मेल नहीं खाते, क्योंकि अलग अलग गतियों में आए हैं और नियम से बोल रहा हूं, आप सब लोग सुन लेना, चाहे भले ही आप कितना भी बोल लो 7 जन्मों तक संबंध निभाऊंगा, जैसे ही मरोगे सब अलग अलग चले जाओगे, कोई नहीं मिलने वाला। आपको क्या लगता है कि हम सब लोग एक बार यहाँ से वियोग होगा फिर दोबारा कभी मिलेंगे? हम लोग भी कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज जो हमारा पति है, आज जो हमारी पत्नी है, आज जो हमारे बेटे हैं, आज जो हमारे परिवार है, कुटुंब है, इनसे दोबारा कभी मिलना नहीं होगा, कभी मिलना नहीं होगा। सब पुराणों में तो होता है, अरे पुराणों में तो बहुत रेयर लोग होते हैं उनके होता है, बाकी अनंत जीवों के दोबारा मिलना नहीं होता। कहाँ कौन किस गति में जाएगा, कहाँ से क्या जाएगा, क्या होगा क्या हो नहीं, बोलो रामचंद्र जी और सीता जी अब दोबारा मिलेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, 36 के 36 गुण मिले थे ना, वो जन्म पत्री मिलाई जाती है ना, देख लो 36 से 36 वालों में भी क्या क्या हुआ। ख्याल में आ रहा है? जब 36 गुण मिले थे, ऐसा दुनिया में बोला जाता है कि रामचंद्र जी और सीता जी के कितने गुण मिले थे, 36 गुण मिले थे, तो भी देखो कितने ड्रामा हुआ घर गृहस्थी में, कहीं वो छोड़ के जा रहे हैं, कहीं वो छोड़ के जा रहे हैं, कुछ किडनैप हो रहा है, कहीं उनने भगवा दिया, कहीं ऐसे कुछ ना कुछ होता जा रहा है। विचार करके देखो, अब रामचंद्र जी और सीता जी के जीव एक बार अलग हुए ना, इस भव में अलग हो गए ना, सीता जी ने पहले आर्य का व्रत ले लिए, रामचंद्र जी ने बाद में
दीक्षा ले ली। रामचंद्र जी ने दीक्षा धारण करके आज मोक्ष पद की प्राप्ति कर ली और सीता जी 16वें स्वर्ग में है। अब बताओ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि रामचंद्र जी और सीता जी दोबारा कब मिलेंगे? अब तभी मिलेंगे जब सीता जी के जीव, उन्होंने स्त्री पर्याय का छेद तो कर दिया, अब मनुष्य भव में आकर के वो सब पद्म पुराण में सारा नक्की है और जा करके जब सिद्धालय, और वहां भी कोई ऐसा मिलन नहीं होगा। वीतरागी है, वीतरागी कोई वो नहीं है, रागी द्वेषी, हम पता नहीं क्या समझते हैं। अब दोबारा कभी मिलन होगा क्या? कभी नहीं होगा। विचार करके देखो, इसीलिए क्यों इतने विकल्प करते हो, क्यों इतने परिणाम खराब करते हो? आज जैसी भी बहू है, जैसी भी सास है, जैसा भी बेटा है, जैसी भी पति पत्नी जो भी है, शांति से बिता लो, क्योंकि अब दोबारा कभी इनसे मिलन नहीं होने वाला है। लेकिन परिणाम खराब करोगे, बैर बांधोगे तो श्यालनी बनोगे, कमठ और पार्श्वनाथ के जीव बनोगे, अब दोनों एक दूसरे के भम में ऐसे ही करते रहना, बस कभी तुम उन पे उपसर करना, कभी वे तुम पे उपसर करेंगे, कभी ये उपसर करेंगे, और ऐसे करके वैर बढ़ाते रहना, इसका तो कोई एंड नहीं है। विचार करिएगा, ठीक है? देखिए, ये पैराग्राफ समाप्त करते हैं। जिस प्रकार प्रवास के कुछ थोड़े से समय के लिए पथिकों का संयोग हुआ करता है, उसी प्रकार यहां संसार में बंधु जनों का भी कुछ थोड़े से ही समय के लिए संयोग रहता है, तत्पश्चात उनका वियोग नियम से ही हुआ करता है, नियम से हुआ करता है। तथा जिस प्रकार बिजली का प्रकाश क्षण भर के लिए ही होता है, उसी प्रकार मित्रों का स्नेह भी क्षणिक ही है, परंतु जागने जिस प्रकार कभी कभी स्वप्न में अनेक प्रकार के अभीष्ट पदार्थों की प्राप्ति देखी जाती है, परंतु जागने पर कुछ भी नहीं रहता, उसी प्रकार संसार में पुत्र, मित्र, ग्रह और धन धान्य आदि संपदाओं की भी प्राप्ति कुछ ही समय के लिए हुआ करती है, उनमें से कोई भी सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। यहाँ तो अब देखो, विचार खूब कमा के हमने एसी लगा ली, मर करके तिरंच हो गए तो एसी साथ लेके जाओगे? विचार करके देखो, मर करके नरक में चले गए तो क्या करोगे एसी का? यहाँ तो बहुत ख्याल रखते थे कि सुबह मॉर्निंग में ये लेना है, आफ्टरनून में ये लेना है, लंच में ये लेना है, ब्रेकफास्ट में ये लेना है, और मर करके तिरंच हो गए तो, मर करके नरक गति में चले गए तो, ये जो सारे संयोग है ये कहाँ शाश्वत है? विचार करो तो ये सारा, ये कौन विचार कर रहा है? ये विचार कर रहे हैं भगवान आदिनाथ के जीव, जब उन्हें वैराग्य आ रहा है, जब नीलांजना के मृत्यु का प्रसंग देखा है, तो ये विचार कर रहे हैं, ये संसार का असली स्वरूप तो ये है। धिक्कार है जो मैंने इतना काल अभी तक गृहस्थी में बिताया, है ना? अब इतना काल तक मैं संसार के भोगों में ही उलझा रहा, संसार के प्रसंगों में ही उलझा रहा, और इनकी उलझनों को ही सुलझाता रहा। अंतिम बात कहना चाहूंगा, आप खुद अनुभव करते हैं कि दुनिया में बहुत उलझने आती रहती हैं, बहुत प्रतिकूलताएं आती हैं, हम सबके जीवन में आती रहती हैं, और हम खुद देखते हैं कि एक उलझनों को सुलझा नहीं पाते और उलझनों की और नई परंपराएं आती रहती हैं। एक पूजन की जयमाला की पंक्ति में ये भाव आता है कि हे प्रभु, इस संसार की उलझनों को मैंने जितना सुलझाना चाहा, उसे सुलझाने के चक्कर में उन उलझनों में उतना ही उलझता गया, है ना? हाँ, अब देखो आप लोग क्या करते हो, हम सब यही तो कहें, ये सही रहे, घर सही रहे, सब शांत रहे, लेकिन कहाँ ऐसा हो पाता है, सब बढ़िया रहे। हम हर क्षण सोचते हैं ना सब बढ़िया, कौन सोचता है कि बढ़िया नहीं रहे, लेकिन कहाँ हो पाता है, कौन कर सकता है? इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं, थोड़े सा काल है, थोड़ा सा समय है, वस्तु स्वरूप का विचार करके सब दुख संकटों को सहने की कला हमारे अंदर आनी चाहिए, और धीरे 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 वैराग्य के पद पर, संयम के पद पर, कल्याण के पद पर हमारे को बढ़ना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर आदिनाथ भगवान गृहस्थ दशा में ऐसा चिंतन कर रहे हैं, और उनका कैसा चिंतन होता है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे।
कल भी मेरा एक पेपर है, तो कल हम 9 बजे से चर्चा रखेंगे, तो आप सभी लोग 9 बजे पर कल आ जाइए। जय महा जय कर